धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसंधान की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्ट में नए प्रावधान का को लाकर के या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA में प्रावधानों में बदलाव करके या द नेशनल सेंट्रल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना करके। माननीय अध्यक्ष जी, जब से ये बिल सदन में आया है तब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पदाधिकारियों ने बार बार फोन करके मुझे एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी होने के नाते ये जानना चाहे है कि ये बिल सदन में कब चर्चा में आएगा और कब पारित होगा। ये बिल आज सदन में चर्चा के लिए आया है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कृति में उपयुक्त अवसर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और आज से ज्यादा बेहतर उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता है। एक पवित्र बिल को एक पवित्र महीने में, चैत्र रामनवमी के महीने में, अब रमजान के महीने में इस बिल को लाया गया है। इसकी मनसा और वाचा कर्मणा में कहीं भी किसी प्रकार को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष जी, इस बिल के पारित हो जाने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पदाधिकारियों को कन्विक्शन हासिल करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अध्यक्ष जी, इस बिल को राजनीति से ऊपर उठ करके देखने की आवश्यकता है। 120 साल पुराने बिल को रिप्लेस करने के लिए, 102 साल पुराने बिल को रिप्लेस करने के लिए यह बिल लाया गया। सर, विकसित देशों में प्रावधानों में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है और नई नई तकनीकियों का समावेश किया गया है जिसके माध्यम से मेजरमेंट लेने की व्यवस्था की गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस बिल को लाने में इतनी देरी क्यों हुई। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इस बिल को न केवल कन्विक्शन रेट अधिक हासिल करने में सफलता मिलेगी बल्कि अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिलेगी। नई नई तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जिसकी विश्व स्तरीय मान्यता भी प्राप्त है। आज के जमाने में अपराध और अपराध कर्मियों का दायरा असीमित हो गया है, उनका मोडस ऑपरेंडाई बदलते जा रहा है। हर एक प्रकार के अपराध में अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के द्वारा अपराध कर्मियों द्वारा अपराध किया जा रहा है। आज अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के अपराध शामिल हो रहे हैं जिसकी 100 साल पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौजूदा समय में विश्व में इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को संबल और सक्षम नहीं बनाया गया तो अपराध पर नियंत्रण पा पाना बहुत मुश्किल का कार्य होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में बहुत से अपराधी दंड से बच जाते हैं, जिनको हम कहें कि उनको परोक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं रहता है कि जांच करने वाली एजेंसी के पदाधिकारी यदि किसी व्यक्ति को अपराधी समझते हैं और समझते हैं कि उसका मेजरमेंट लेना आवश्यक है तो वो मेजरमेंट इसलिए नहीं ले पाते हैं कि कानून में इसका प्रावधान नहीं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में नई नई तकनीकियों का प्रावधान नहीं है क्योंकि उस वक्त ये नई नई तकनीकियां उपलब्ध नहीं थी। आज समय का तकाजा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी यह आवश्यक है कि कांडों के उद्भेदन के लिए नई नई तकनीकियों का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा करें ताकि वे साक्ष्य अकाट्य हों और कोर्ट के समक्ष उसका एविडेंसरी वैल्यू हो।
अध्यक्ष जी, इसी पृष्ठभूमि में पूरे सच्चे मन से इस बिल को लाया गया है और इस बिल का मेरी समझ से एकमात्र इतना ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का हाथ मजबूत किया जाए, उनको संबल बनाया जाए, उसको सक्षम बनाया जाए। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि कोई और मंशा भी इस बिल के पीछे किसी की है। इस बिल के विरोध में जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो विपक्ष के सामान्य सदस्यों ने कुछ बिंदुओं को उठाया था। उन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा और पूरी स्पष्टता के साथ चर्चा तो आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा उनके उत्तर के क्रम में जरूर दिया जाएगा। मैं समय को देखते हुए कुछ मोटी बातों पर अपना विचार जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। आज भी आदरणीय मनीष तिवारी जी ने 20 अनुच्छेद 20 विधिन राइकर 3 की चर्चा की। सही है कि ये जो चर्चा है वो इस बिल के अवसर पर की जा सकती है, लेकिन इस संबंध में मैं उनको कहना बड़ी विनम्रता के साथ चाहूंगा, वो बड़े अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट इनक्रिमिनेशन को वायलेट ये नहीं करता है। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये जरूर है, लेकिन ये इस टर्म विटनेस को एविडेंस एक्ट की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज काठी कालू ओगट के केस से आप अवश्य परिचित होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देर वॉज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 20(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपेलिंग एन एक्यूज पर्सन टू गिव हिज स्पेसिमेन हैंडराइटिंग और सिग्नेचर और इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब फिंगर्स पाम और फुट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रितेश सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी कहा है कि सैंपल देने के लिए कंपेल करने से आर्टिकल 20(3) का वायोलेशन नहीं होता है। जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो उस पर विपक्ष के एक माननीय सम्मानीय सदस्य ने यह कहा था कि ये बिल बहुत जल्दीबाजी में लाया गया है, ये बिल में स्टेक होल्डर्स को संज्ञान में नहीं लिया गया है और बिना पूरी चर्चा के इस बिल को लाया गया है। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बात सही नहीं है। ये बिल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और लॉ कमीशन के सुझावों के अनुरूप लाया गया है और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 87th रिपोर्ट, इसमें इस बात का जिक्र था और स्पष्ट जिक्र था कि आपराधिक जांच को आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ साथ 2-3 टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी और उसको भी मैं आपके समक्ष निश्चित रूप से रखना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि पहचान के उद्देश्य से एकत्र किए जाने वाले मेजरमेंट को सीमित नहीं रखा जा सकता है और वैज्ञानिक ज्ञान का फायदा लेते हुए मेजरमेंट की श्रेणियों को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विधि आयोग ने यह भी कहा था कि अपराधों के संबंध में इस तरह के सबूत एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है, उनका विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है और जिन व्यक्तियों का मेजरमेंट लिया जाना है उनके भी दायरे को विस्तृत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था जो उत्तर प्रदेश बनाम रामबाबू मिश्रा के केस में उल्लेखित है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर स्पेसिमेन सिग्नेचर और लेखन हैंडराइटिंग देने का निर्देश जारी करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य में 2019 में
न्यायिक व्याख्या करते समय ये विचार व्यक्त किया था कि जब तक संसद द्वारा सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान नहीं कर दिया जाता है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के अपराध की जांच के लिए आवाज का नमूना का आदेश देने की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए, मतलब स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, वॉइस सैंपल, ये सब देने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने समीक्षा के क्रम में, न्यायिक प्रक्रिया के क्रम में कही थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में एनसीआरबी को ये काम दिया गया था कि वे प्रस्ताव की समीक्षा करें और समीक्षा करने के क्रम में वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क स्थापित करके, उनसे बातचीत करके, और इसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो के निदेशक हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें। तदनुसार एनसीआरबी ने राज्य के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से बैठकें की, बल्कि और साथ साथ 2018 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के साथ उन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन में भी चर्चा की। और इस प्रकार का रिपोर्ट सबमिट किया कि माप के दायरे को बढ़ाने और जिन व्यक्तियों के माप लिए जा सकते हैं उनके दायरे को बढ़ाने में सभी एकमत हैं, सबकी राय है कि ये दायरा बढ़ना चाहिए, व्यक्तियों का भी दायरा बढ़ना चाहिए और जिन लोगों का माप लिया जाना है उन लोगों का भी दायरा बढ़ना चाहिए। दूसरा जो बिंदु उठाया गया था उस वक्त जब ये बिल सदन में लाया गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर पर इससे कुठाराघात होता है, राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में अनावश्यक दखलंदाजी है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 और प्रविष्टि 2 में दर्ज है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार, जैसा आप सभी जानते हैं, राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि माप आदि लेने का सीआरपीसी में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह जांच प्रक्रिया का ही हिस्सा है, इसलिए संसद की विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और ये आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है और राज्यों के विशेषाधिकार का हनन है या राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी है। सबसे ज्यादा बात, और आज आदरणीय मनीष जी ने भी पुनः उस बात को दोहराया, राइट टू प्राइवेसी सबके लिए बहुत महत्व रखने वाली चीज है, चाहे आप अपोजिशन में हो और हम तेजी बेंच में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट टू प्राइवेसी निश्चित रूप से एक ऐसा राइट है जिसका सभी को कद्र करना चाहिए, लेकिन आपको स्वयं पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इट इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, और वो भी पता होगा कि किस किस परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। इन सारे बिंदुओं पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, और जो जिसकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में की कि मॉडल जेल मैनुअल भी बन रहा है और राज्यों को भेजा जाएगा, और जो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो अभी उठाए गए हैं उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो इस संबंध में इतना ज्यादा नहीं कहते हुए मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लीजिए या यूनाइटेड किंगडम की बात कर लीजिए,
उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स बना हुआ है सैंपल्स कनेक्शन का, जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। उन बातों की यदि चर्चा हम करें और उदाहरण दें तो आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि दूसरे देशों में सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रिंजेंट रूल्स बना हुआ है। आप विस्तार पे से मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार में जाने पर व्याख्या करना आवश्यक हो जाएगा, लेकिन एक दो चीज मैं जरूर इस संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के भी, यूनाइटेड किंगडम के भी, जिसमें जो चैलेंज किया गया है राइट टू प्राइवेसी के आधार पर, वो सारे चैलेंजेस को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। आप यूनाइटेड किंगडम के पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 का विशेष रूप से अवलोकन करना चाहेंगे, क्योंकि इसके सेक्शन 62 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंतरंग नमूने भी लिए जाने चाहिए, लिए जा सकते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। आपने मेजरमेंट की बात की, इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई शब्द है तो मेरी समझ में मेजरमेंट है। मेजरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं वो आपने बताया और पढ़ करके भी सुनाया, उसको दोबारा पढ़ करके सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात आपने कही 107, 108, 109, 110 की, 107 जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत बाउंड डाउन नहीं किया जाता है गुड बिहेवियर के लिए। 117 के ही अंतर्गत बाउंड डाउन किया जाता है गुड बिहेवियर के लिए, तो 117 में जब बाउंड डाउन किया जाएगा या जमानत देने के लिए कहा जाएगा तभी ये अट्रैक्ट करेगा, अन्यथा नहीं अट्रैक्ट करेगा, जो आप बात कर रहे थे। किन किन व्यक्तियों का नमूना लिया जा सकता है, जो कन्विक्ट हैं उनका नमूना लिया जा सकता है, और जो जिसकी चर्चा अभी मैंने की उसका नमूना लिया जा सकता है, जिसने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसका नमूना लिया जा सकता है, या जो प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट हुआ है उसका भी नमूना लिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो प्रोविजो है उसका उल्लेख आपने विस्तार से नहीं किया। प्रोविजो में यदि कोई महिला या किसी बच्चे के विरुद्ध अपराध नहीं किया गया है, या ऐसा अपराध नहीं किया गया है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो, वैसे व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा बायोलॉजिकल सैंपल देने के लिए। एनसीआरबी को आपने कहा कि 75 वर्ष तक रिकॉर्ड को संधारित किया जाएगा एनसीआरबी के द्वारा, तो यहाँ तो अवधि भी निर्धारित की गई है। बहुत सारे देशों में तो वो एक बार रिकॉर्ड आ गया उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई प्रोविजन नहीं है, वो हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ जो निर्धारित अवधि की गई है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन ये किस लिए कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि वो जो रिकॉर्ड दादा एक मिनट मैं जल्दी बात समाप्त कर दूंगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ये दादा बोली, दो बोली, मिनट बोली, का समय दीजिए बस, पूरा बोलिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध की रोकथाम के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उसके प्रोसिक्यूशन के लिए ये रिकॉर्ड को हासिल करेगा, स्टेट से भी हासिल करेगा, डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी हासिल करेगा, उसको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसको शेयर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ताकि भविष्य में होने वाले अपराधों और अपराधकर्मियों के विषय में ज्यादा जानकारी इस आधार पर जुटाई जा सके। एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि
लॉ कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया और राज्यों से जो विचार विमर्श हुआ उसमें पाया गया कि बहुत सारे प्रोविजंस में चेंजेस की आवश्यकता है और जो विभिन्न राज्यों के द्वारा इस में संशोधन किया गया उसमें भारी अंतर है, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए इस बिल को सदन में उपस्थापित किया गया है, जिसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि एक हेड कांस्टेबल या एक वार्डन रैंक का पदाधिकारी ये मेजरमेंट ले सकता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है और मैंने निश्चित रूप से 38 साल की पुलिस की के कार्यकाल में बहुत सारे अवसरों पर देखा है, उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों को सुलझाने में इस बिल के पारित हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और बहुत दफा जो सालों सालों से न्यायालयों में उचित साक्ष्य या सबूत के अभाव में कांड लंबित रहते हैं उनमें उनको गतिमान बनाने में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। इसी धारणा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।